हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरा फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। सो पैराग्लाइडिंग के लिए हम जा रहे हैं बिरबिलिंग, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है। सो हम लोग जा रहे हैं मैक्लियोडगंज से बिरबिलिंग। सो वहाँ का हमारा जो कैब का आने जाने का लगा कुछ 2500। सो हमने जाने के बाद में एजेंसी बुक की थी, तो वहाँ जाने के बाद में आपको एक साइंड रिस्क सर्टिफिकेट फिल करना पड़ता है, जिसमें आपका नेम, एज, पायलट का जो नाम है, पायलट का सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब आपको शो होगा। तो आप कोई सर्टिफाइड एजेंसी पे ही ट्रस्ट करें। तो जब हम वहाँ पे साइट पे पहुँचे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को मैंने यहाँ पे अनसक्सेसफुल होते हुए देखा था, तो मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, बट एक्साइटमेंट भी थी। सो अभी सब कुछ ऑब्जर्व करते करते मेरा भी टर्न आ गया था। तो ये पायलट्स वगैरह आपको हार्नेस वगैरह लगाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कूल थे, आपको काम डाउन करते हैं ताकि आपको डर ना लगे ज़्यादा। सो फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब मैंने टेक ऑफ किया। सो ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत ही इनक्रेडिबल था, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। सो अभी फ्लाई करने के बाद में मुझे बिलीव भी नहीं हो पा रहा था कि मैं ऐसे खुले आसमान में हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। तो जब मैं रेडी हो रही थी तो मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट बीट कर रही थी, इतने सारे थॉट्स आ रहे थे कि पता नहीं हम लोग फ्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये पैराग्लाइडिंग 15 मिनट्स के लिए होती है एंड इसका जो पूरा कॉस्ट है 3000 है। तो 3000 में आपको वहाँ तक साइट तक लेके भी जाते हैं कैब से, और आपको वापस जो बिरबिलिंग में आपकी लैंडिंग होती है बिलिंग में। सो लैंडिंग के बाद में आपको ये फ़ोटोज़ भी देते हैं, जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो सब भी आपको ये देंगे। सो फ्लाई करते करते आप इनको ज़िगज़ैग मूवमेंट्स वगैरह करने के लिए भी बोल सकते हैं, बट ये इसका 500 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो अभी हम लोग लैंड होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे 15 से 20 मिनट्स के बाद में हम लोग लैंड हो रहे हैं। उस टाइम पे वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी उस टाइम पे। सो आफ्टर दिस अमेजिंग फ्लाइट वी लैंडेड सेफली एंड आई कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग, बिकॉज फाइनली आई मेड इट। एंड ये जो फीलिंग थी अकम्पलिशमेंट की, इट वॉज़ ओवरवेलमिंग। सो अभी हम लोग लैंड करने के बाद में हमने सारे वीडियोज़ वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह अपने फ़ोन में हमने ले लिए थे उन लोगों से। सो उसके बाद में मैंने हिमाचल का जो ये आउटफिट है, इसमें कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी मैंने बनाई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे उतारने का, इसको बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा कलर्स इसके ब्राइट भी थे, बिकॉज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो जल्दी से हमने यहाँ पे एक कैफ़े था, उसमें से हमने राजमा राइस खाए थे। राजमा राइस के साथ में वाटरमेलन जूस लिया था, ब्रेड ऑमलेट लिया था एंड देन हम निकल गए फिर से घर के लिए। थैंक्स फॉर